Anten. देखो मगो अभी हम खाना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा शेफ अब्बास साहब देख रहे हैं सरीना होटल में 3 साल एक्सपीरियंस है इसका। ये होगा जी दमादम मस्त कलंदर होगा। तो प्रोग्राम वर्ड तो नहीं जाएगा ना, वरने का भी खदशा है भाई। ये देखे जी सारे अनाड़ी लोग किधर आए, अभी टिक्का बनाना नहीं आ रहे इनसे। तो मास्टर भारी मुश्किल से खाना तैयार हो गया भाई। तो बिरयानी पुलाव बन गया है, ये स्पेशल डिश है। क्या ही मज़े का जगह है भाई, देख सकते हैं आप। ओह माय गॉड, अच्छा जनाब हम पहुंच गया इधर अपने लोकेशन पे। यहाँ से आप भी देख सकते हैं, अभी हम इधर थोड़ा रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं। रिफ्रेशमेंट का प्रोग्राम है, इसके बाद हम इधर खाना बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर टिक्के का भी प्रोग्राम इधर होगा तो फिर वो करके हम इधर से निकल जाएंगे। ये देखो चापर में गोश्त डाला हुआ है, उसमें पानी है। अच्छा जी अभी हम लग गए हैं काम पे अपना लंगर का। शुभलेस कर रहे इधर बोलनेस और शुभलेस। ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं और यहाँ पे पार्टी हो रही है। जनाब देख लगे हवलदार साहब इधर क्या कर रहे हैं पता नहीं। इधर हम खाने का प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी मौसम का भी कुछ पता नहीं है, आगे बारिश शायद हो जाए तो हमारा प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। अच्छा जी ये हम नीचे से क्या कहते हैं अंगूर लेके आया था, ठीक है। तो अभी इधर खाने वाला कोई नहीं हो रहा इधर, तो ये है टमाटर कटिंग हो रहा है इधर। ये इधर गोश्त टिक्का बनाने के लिए गोश्त तैयार कर रहे हैं। बाकी हम इधर बिस्कुट चूल्हा अभी तक बना नहीं है, पता नहीं क्या मसला हो रहा है इधर। ले तेज चल रहा साहब, आज नहीं उठ रहा। अच्छा ये सीन है जनाब, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत। ये देख जी बड़ी मुश्किल से आग जल गई है। प्यास देख जी पहाड़ों वाला। अभी हम खाना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा शेफ अब्बास साहब देख रहे हैं सरीना होटल में 3 साल एक्सपीरियंस है इसका पुलाव बनाने का। अभी यहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, इस वजह से हमें मुश्किल पैदा हो रही है यार, पता नहीं बन जाएगा पिकनिक पुलाव। लकड़ी का भी शॉर्टेज है। ये देखे जनाब इधर खाने का प्रोग्राम अभी तक नहीं हुआ है। ये देखो चापर में गोश्त डाला हुआ है, उसमें पानी है। अच्छा जी बड़ी मुश्किल से इधर थोड़ा बहुत सिस्टम हो गया है, अभी हम इधर पुलाव बना रहे हैं लेकिन बनेगा कि नहीं ये नहीं पता।
यो यार चिक में पिन फुट गई है ये देखो जी इधर ही टिक्के का वो सामान पूरा नहीं हो रहा है सारे अनाड़ी लोग इधर आए हुए हैं यार तुम पता ये जी हमारा भाई अहमद अली साहब इधर टिक्का बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं उधर हम बिरयानी बना रहे हैं बिरयानी पुलाव तो इंशाल्लाह घंटा डेढ़ घंटे के अंदर तैयार होगा तो हम खा के फिर अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएंगे अभी मौसम भी ठीक हो गया देखो मज़े का मौसम अब देखे जी ये हो गया टिक्के के लिए आग जलाया है तो यहाँ से कोयला निकालेंगे हम फिर होगा जी फिर होगा धमाधम मस्त कलंदर होगा तो प्रोग्राम वर तो नहीं जाएगा ना वरने का भी खर्चा है भाई अभी चावल तो बढ़ गया चावल तो बढ़ गया है भाई देखो पटने का नाम ही निशान नहीं है भाई इधर 14,000 फीट हम आए हुए हैं ये देखें जी हम इधर देसी घी खा रहे हैं ब्लॉक में रोटी के साथ देसी घी कभी कभी मिलता है ये अभी हमें तो बस ख्वाब में नजर आते हैं लेकिन मिलता नहीं है और उधर आग लगा हुआ है इधर ही इधर से लिए हैं ताज़ा है टिक्का बनाने के लिए और ये चीज़ तो अच्छा जी अभी टिक्के का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है टाइम भी बहुत आ गया है यार क्या करें अभी बस इमरजेंसी में शेफ साहब इधर लगा हुआ है तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम तैयार करके चले जाएंगे इधर से चावल का भी देखो ले दम लगा होगा यार मार तो ले मार कुछ ले क्या चल रहा भाई जी देखा था भाई शेफ स्टार जी सो मैं तो आया क्या है अल्लाह सीन तो बड़ा जबरदस्त आ रहा है मीमोस तो आईफोन का नाम वो मसला था ये वो चीज है ये वो ये देखे जी सारे अनाड़ी लोग किधर आए अभी टिक्का बनाना नहीं आ रहे इनसे तो मसला का मसला क्या करें अभी ये भाई स्टार्ट हो गया है देखो सारा अनाड़ी है ये तो एक नंबर का अनाड़ी बंदा है इसका तो काम भी अजूबा है ये ओ चोंगो भले गुएन गए नानो अभी सूरज भी ग्रुप हो गया है भाई अजान होने वाला है बड़ी मुश्किल से खाना तैयार हो गया भाई तो बिरयानी पुलाव बन गया है ये स्पेशल डिश है ब्रोक का तो उधर हमारा हवलदार साहब चटनी बना रहे हैं बड़ी मुश्किल से खाना तैयार हो गया है टिक्का इधर रखे हुए तो इंशाल्लाह ये खा के हम इधर से निकल जाएंगे पक गया